हेलो हेलो। हाँ जी, अनिल तंवर बोल रहा। नहीं, निशा तंवर बात कर रही हूँ। अनिल तंवर से बात करनी थी मेरे को। मैं नीरज बोवाना बोल रहा हूँ, तिहाड़ जेल से। कहाँ से? तिहाड़ जेल से? नीरज हाँ, नीरज बोवाना। हाँ बवाना। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी सर। हेलो। इम्पोर्टेंट नहीं, बस उसको ये बोल देना मैं आप शायद मैंने अगर आपकी अनिल के साथ बात हो तो हाँ फिर हाँ मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। बोल देना कि जो आजकल इन्होंने जो भी मुद्दा छेड़ा हुआ ना, वो हाँ किसी भी बरादरी को टारगेट ना करे, जो भी तंग कर रहा है कोई एनी पर्सन उसको, चाहे उसकी टांगे तोड़े, बात तोड़े। समझ हाँ हाँ रहे हो हाँ आप, या कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? हाँ बिल्कुल। पर किसी भी बरादरी को टारगेट ना करे, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, क्योंकि यहाँ पे अंदर मेरे साथ सारे यहाँ हरिजन भाई भी हैं, वाल्मीकि भाई भी हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं फोन कर देता हूँ, सुझा देता हूँ मैं। बाकी अगर ये बोलने की मैं नहीं जानता नीरज बुआना को, उसको बोलना कि यूट्यूब से लेके गूगल तक, पुलिस स्टेशन पूरी दिल्ली में जहाँ मेरा नाम पूछ लेना, वो बता देंगे कौन है नीरज बुआना। जाति से मैं जाट हूँ, उसको बोल देना बस। आप एक बार या भाईचारे मैंने फोन किया मैंने कोई। ठीक है नीरज जी, मैं एक छोटी सी बात बताऊं। देखो मैं भी करती हूँ सारा काम, इसमें सब कुछ मैं भी देखती हूँ नीरज जी। इसमें ना तो किसी भी पर्टिकुलर मतलब किसी भी कास्टम के लिए, ना जाट के लिए, ना ब्राह्मण के लिए, ना राजपूत समाज के लिए, ना किसी अदरवाइज के अदर किसी भी कास्ट के लिए ऐसा लिए नहीं बोला गया। जो देखो अपने मेरे मेरे यार पता क्या मैडम, मैं बता देखो मैं एक एक एज अ पहले रिस्पेक्ट बात कर रहा हूँ आपसे, नीरज आपकी जी। बहन जैसी है। हाँ नीरज जी, आप पहले मेरी बात सुनोगे फिर उसके बाद रिस्पॉन्स हाँ आप हाँ बोलो जो। बोलो। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ क्योंकि लाइव मैं भी देखती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। क्या है कि जैसे सतपाल जी ने बोल दिया जी, ठीक है, जैसे अपने पास दीपक शर्मा है, दीपक शर्मा की लगातार कॉल आई थी, गाली गंदी गंदी गाली है दीपक अरे शर्मा। बड़वा है वो, सुनो बच्चा सुनो है, उसको कुछ नहीं पता। वो हाँ कोई भी हो, तो दीपक शर्मा, सु, हाँ ब्राह्मण, सु, मेरे सुनो पता क्या सुनो मैडम, सुनो मेरी एक सुनो खास बात ये देखो देखो। सुनो दीपक, आप सुनो नीरज जी। उसके बाद में हाँ ओकंदर आड़ा को सतपाल जी के ऑफिस पा के उसको गंदी गंदी गाली देकर जाता है ना। जब हाँ जी, हाँ सतपाल जी, सतपाल जी का क्या रिस्पॉन्स है, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। सतपाल जी की जो लाइव हाँ रहती है हमेशा ये रहती है। मैं उन उन मनुवादों को बोला जो जो कि मेरे ऑफिस पाके जो मेरे को ऐसे ऐसे बोल के जाते हैं, मैं उनका जीजा लगता हूँ। तो बताओ इसमें पूरे समाज को कैसे गाली दे दी आप? तो टारगेट मनुवादी पता क्या जी, मनुवादी हाँ तो जात भी है, आपको पता भी होगा मैम ये बात, राजपूत भी है मनुवादी तो। आप समझ नहीं रहे मनुवादी। मेरी मेरी बात सुनो, मनुवादी का मतलब ये कि हाँ उन्होंने ये भी तो बोला जो मेरे को गाली देता है। आप सुनो ना, आप पहले वर्ल्ड वर्ल्डिंग सुनो। जो मेरे को गाली देता है मैं उन मनुवादों को बोल रहा हूँ, सबको नहीं बोला उसने। आप पर्टिकुलर देखो मैम, अब देखो आप पता क्या, हाँ पता आप शायद मेरे से एज में छोटी ही हो, ठीक है ना, क्या हाँ क्या पता बड़ी हो सकती है ना। तो मैं मेरी ऐसी एडवोकेट आदत कि मैं मैं फोन एडवोकेट करके नहीं गाली सुनो। दूं हाँ किसी को, अरे नहीं बात करा देगा, ठीक है मेरी बहन, मैं गलत बोल रहा हूँ ना। बिल्कुल तो मेरी बिल्कुल ऐसी आदत बहन कि मैं किसी को फोन करके गाली दूं, बिल्कुल मेरे मेरे साथ अंदर ही आ गया, मेरे हरिजन भाई भी है, वाल्मीकि भाई भी है। तो हाँ आपका हाँ नंबर निकलवाया किसी से, मेरे को पहले फोन का नंबर दिया गया था कि अनिल तंवर का है, ठीक है। तो मैंने कहा चल हाँ मैं भाई से बात कर लेता हूँ। मैं सर तो एडवोकेट मैम निशा, मैं आप एडवोकेट समझा ना निशा अपने, बात कर ठीक है, रही किसी एक बरादरी को टारगेट ना करे, सारे भाई हूँ। अपने मेरे साथ ही तो अंदर, हरिजन भाई भी हैं काफी, देखो नीरज वाल्मीकि जी, भाई भी हैं, सारे भाई हैं। मेरे पास हर 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 कस्टम के केस आते हैं। मैं लॉयर हूँ, मैं यहाँ एडवोकेट हूँ गुड़गांव कोर्ट के अंदर, ठीक है। हाँ बाकी मैं सुप्रीम हाँ कोर्ट वगैरह, मैं हाई कोर्ट दिल्ली चंडीगढ़ सारे देखती हूँ, ठीक है। और मैं जहाँ तक हाँ पर्टिकुलर मैं बताती हूँ, जिनकी तुम बात कर रहे हो वो मेरे ही हस्बैंड है, ठीक है। मैं सतपाल जी की, हाँ सतपाल तंवर जी मेरे हस्बैंड है, उन्हीं का ही वो लाइट था। अब मैं आपको लाइट बताती हूँ, ठीक है। दूसरी बात ठीक सर, ठीक जो ये भड़काने वाले होते हैं ना, जो अपने समाज, जो ये राजपूत समाज के, तुम उसके समाज की बात करो ना, तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे सतपाल जी ने किसी पर्टिकुलर एक बंदे को गाली दी, ठीक है, जिस बंदे ने हाँ उनको हाँ नहीं दी। अब क्या कि जो जो राजपूत समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो वो कहते हैं कि तुमने चूड़ियां पहन रखी है, आपको सतपाल तंवर पूरे समाज को गाली दे रहा है। यानी कि उन्होंने तो लाइट दिया पर्टिकुलर एक मैम बंदे के पता क्या, देखो मैंने, लिए। देखो मैम हाँ पता क्या, आप मेरे से बात हाँ कर रही हो, ठीक है ना। मेरा खतर ना तो ऐसा है कि मैं फोन करके किसी को गाली दूं। बिल्कुल मेरे तो एक बिल्कुल भाईचारे में फोन किया, हाँ पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ हर एक बंदे हाँ को, क्योंकि मेरे साथ ही अंदर कुछ, आपको पहले बताया, हरिजन भाई भी है, वाल्मीकि भाई भी है, और बाकी भाई अपने जाट राजपूत ब्राह्मण सारे हैं इधर। सारे तो सारे बिल्कुल मेरे पास समझ ऐसे खबर आई तो उन्होंने बोला कि भाई गए। चल हरिजन भाई है तो मैं बात कर लेता हूँ। मैंने सिर्फ हाँ इतनी बात सोच के आपको फोन किया नहीं, ना, बिल्कुल तो आपको सही मेरी कहा बड़ी नीरज बड़ी जी, क्लोज नीरज थी, जी बिल्कुल सही आपसे किया आपने, रिस्पेक्ट से बहुत बात कर अच्छा। रहा हूँ मैं। नहीं, बहुत अच्छी वाली बात है आपने फोन का पर्टिकुलर। नीरज जी देखो, जब तक आपको सच्चाई का नहीं पता, देखो आपसे आपसे जिन्होंने बोला, ठीक है, जिन्होंने गाली दी,
आपने उनकी बातों पर विश्वास हो गया ना, क्योंकि देखो आपसे जब मैं किसी से अपनी बात रखूँ तो मेरी बात विश्वास करेगा, आपसे जितने बात रखे आपने विश्वास करेगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना सर, लाइव को अगर अच्छे से सुना जाए और लाइव को अगर समझा जाए ना, तो लाइव का क्या मतलब है कि वो क्या बोल रहा है ये चीज कोई पता का नहीं। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप अगर आप अपने हस्बैंड को बोलो कि नीरज का फोन आया था या अंदर से कहीं से मत की लाइव बना दे कि मेरे को धमकी दी भाई फोन करके, ये बात नहीं, ये बात नहीं, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूं। मैं धमकी वाली बात क्यों बोलूंगी, मैं मेरे को भी पता है जिसका नहीं, ये चीज लाइव पे भी ना बोले वो। हाँ बिल्कुल ठीक है मैम, मैंने आपसे चलो एज अ सिस्टर हो आप मेरी, ठीक है मैम। सबसे पहली बात, मैं कुछ जातिवाद को नहीं मानता, हर एक चीज मेरे लिए इंसान है सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए सर सारे धर्म। अब पहली बात है सर, आपने इंडिया देखो सर, 7 दिन की जिंदगानी, मैं तो एक बात कहती हूँ, हम ये जात पात जो धर्म की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, हमने कुछ नहीं की, सब यहीं रह जाना सबका, ठीक है। अब कोई किसी को लेके तो जाएगा नहीं, अब कोई कोई पहले में जाएगा, कोई बाद में जाएगा, लेकिन जाना सबने, ठीक है। अब इस चीज में हम लड़ते रहेंगे, तुम राजपूत हो, तुम बड़ी कास्ट वाले, तुम ये हो, तुम शर्मा हो, तुम ये है, तो सर ये इन चीजों से कुछ नहीं निकलने वाला, एंड में सबका अंत होना है, और कोई किसी का वो नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं तो खुद ये चाहती कि ये चीज ना फैलाई जाए। चलो मैम, अगर आपका हस्बैंड आपके पास हो तो उसको बोल देना एक बार, ठीक है। मेरी ये ठीक है, मेरे भाई समझ के मैंने फोन किया, ये ना हो कि कभी कल को और रोड़ा पड़े। मैंने आपको नाम ही बता दिया मैम, कोई मैं वो तो हूँ नहीं की ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपने बात की है, बहुत अच्छी वाली बात है। आपको देखो जैसे सुनने को मिला, आपने मेरे को बताया, ठीक है। लेकिन जो मैंने बताया ना पर्टिकुलर, जो हमारे जो ये सर जो राजपूत समाज के लोग हैं ना, यही मतलब भड़काऊ तरीके से लाइव कर रहे हैं जी सर, कि आपने चूड़िया पहन रखी है, आप मैं हम एक ट्रक भर के चूड़िया लाएंगे, आप सारे पूरे राजपूत समाज चूड़ी पहन लो, देखो वो आपको गाली दे रहा है। जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, जब 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 नीरज जी उनके ऑफिस पे हमला करा हुआ, आपको तभी उनके ऊपर फायरिंग करेंगे। अरे मैम देखो, ऑफिस पे हमला किया ना, ठीक है, उस पे केस ठोको। अरे तो अब आप बताओ ऑफिस पे उसकी टांग बात तोड़ दो, एक मिनट। अरे मैडम मेरे कोई, मैं 6-6.5 साल हो गए मैं अंदर पड़ा हूँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, पहले मेरी बात सुनो, आप ये बात समझाओ कि अगर किसी के साथ कोई पर्सनली झगड़ा है तो भाई उसको निमदा भाई की हत्या है, उसकी टांग तोड़े, बांह तोड़े, मैं ये नहीं देखूंगा कि फिर वो राजपूत है या जाट है या ब्राह्मण है, कोई भी हो जाए। नीरज जी आपकी बात मैं बड़ी करती हूँ, अगर सिस्टम यही कहता ना जी, एक बंदा आके ये चीज कर रहा है तो शायद आपको ये चीज समझ में आती। एक बंदा नहीं कर रहा, 50 आदमी बिना जो कि कहते जी हम राजपूत समाज के, जी हम ब्राह्मण समाज के, हमारे सतपाल सवर जी को मारने के लिए, और 30-35 बंदे आते हैं और ऑफिस पर हमला करके जाते हैं, 3 फायरिंग वो कर देते हैं। शुक्र है कि वो तो हमारी अंदर में दरवाजा था जिससे वो लकड़ी का शीशा, तो वो कैबिन सारे तोड़ देते हैं। इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ मैम, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ, ठीक है ना। देखो मैंने आपको फोन किया, मैंने तो अनिल तंवर का, मेरे पास आया था मैसेज कि अनिल तंवर का नंबर है। नहीं अनिल का नहीं, सतपाल जी का ही नंबर है, मैं उनकी ही मैसेज बात करिए। और हम सतपाल जी इतने बेवकूफ इंसान है, वो भी एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूँ, दोनों ही लॉयर है। और सर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इतनी बेवकूफी अपन कोई भी नहीं कर रहा, सबको पता है कि हर चीज का वो होता है कि ये चीज करना बिल्कुल अपराध है, ठीक है, कोई नहीं करेगा। लेकिन जैसा ऊपर पड़ती है ना, पता क्या मैम, पता क्या, जब कोई बात, पता क्या मेरे पास यहाँ पे हर एक टाइप के बंदे रहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ हाँ, तो इसने लाइफ में ये भी बात बोली होगी कि मैं इनका मनवादियों का जिज्जा लगता हूँ, ये बता ऐसा हो सकता है कि कोई कोई हरिजन की लड़की किसी मनुवादी के घर में आ गई हो शादी होके, ऐसा हो सकता है। देखो ऐसा है मैम, बहुत सारी लड़कियां हरिजन की लड़कियां जो राजपूतों के घरों में है शादी करके गई है, जाटों के घरों में भी है, सब में है, सारी कास्ट में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर आजकल ये सारे कास्ट में होता ना मैम, तो ये चलो वो कभी पुरानी की बात थी, तो उन्होंने मेरे को, मैम ज्यादा हिस्ट्री का नहीं पता, ठीक है ना, मैं सीधा साधा बंदा, मैंने मेरे पास नंबर आया, मैंने कर दिया फोन, ठीक है मैम, मैं करता हूँ जो मेरे मन में होते हैं, जैसा मैं सोचता हूँ, मैं भाई को बोल देना ये बात, पर्सनल कास्ट को टारगेट ना करें, इसके साथ दुश्मनी उसकी टांग तोड़ दे, अगर वो मेरी बिरादरी का भी होगा ना जाट, मैं फिर भी फोन नहीं करूंगा आपको। देखो अब मैं नीरज जी एक बात कहूं छोटी सी, अब चलो इन्होंने ऑफिस पर हमला कर दिया, ऑफिस पर हमला करने के बाद पुलिस की साठ गार्ड करके सतपाल सवर जी को ही उठवा दिया, यानी कि उसके ऊपर ही फायरिंग करी, उसको ही जेल में डलवाया, नीम का जेल में डलवा दिया इन्होंने। अब मैं आपको बताती जेल डलवा दिया, जेल में डलवाने के बाद इन्होंने कह दिया राजपूत समाज को कोई और हथियार नहीं मिला, राजपूत समाज ने कह दिया सतपाल तंवर तो हमारी लड़की से ना शादी करने की बात कर रहा था, जबकि सबसे ज्यादा सतपाल तंवर जेल के अंदर है, तो उसने शादी करने की बात कर रही है, उन्होंने लड़की आगे फिर दोबारा से आगे, मतलब वो अपनी उसी रोटेशन पे आ गए। अगर बंदा 5 दिन की अवैध रियासत काट के आया नीम का जेल के अंदर, यानी कि 30 तारीख को वो उनको उठवाया फरीदाबाद पुलिस ने, नीम का जेल में वो रह के आया, और जो जुर्म उसने करा ना उसकी अगर वो सजा काट के आया, मेंटल डिस्टर्ब हुआ है, फिर हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है, अगर बंदा काट के आया तो फिर क्या वो क्या हम मैं इस पर कार्रवाई नहीं करूंगी, मैं करूंगी। जिस बंदे ने ये कराया
जब तक उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलेगा तो क्या फिर ये हम तक कार्रवाई करो आपके साथ हर एक जाति का बंदा खड़ा होगा। पर ये जातिवाद वाली बात मतलब जो कहीं मेरी सतपाल हुआ बोलता होगा मैं तो अभी फिलहाल तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ठीक है मेरे ना तो मैं ऐसा बंदा हूँ मैम मेरे को 6.5 साल हो गया आपका तो हस्बैंड 5 साल का क्या है मेरे को 6.5 साल मैं अंदर ही पढ़ा हूँ ओनली फॉर 5 दिन और 5 दिन वो मेरे को सर मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे को मैम 6.5 साल हो गए मैं अंदर ही पढ़ा हूँ मेरा नंबर भी नहीं आया होगा आपके पास आप देख भी रही होंगे अच्छा नंबर ट्रेस हो सकता ना कुछ मैम ठीक है आपको बता भी दिया नीरज बोना नाम है मेरा यूट्यूब पे गूगल पे कहीं मर्जी एक बार नीरज बोना डाल देना मेरी फोटो से लेके मेरी वीडियो सब कुछ आपके सामने होगी। किस केस में हो सर अभी ऐसा नहीं है जो पता है मैम जो बंदा जाता होता है उसको प्रशासन और कुछ तो करता है मेरी मेरे बारे में अगर कभी आप सर्च करोगे तो मेरे को पता नहीं कितना बड़ा वो बताएंगे कि इसने पता नहीं इतना बंदा मार रखा है इतना ये बड़ा गैंगस्टर है ये है वो पता है सिस्टम की मार है जो आज मैं अंदर हूँ मेरा नाम खराब हुआ पता तो मैम मैं अभी रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपको अपने हस्बैंड को समझाना मैं किस केस में हूँ मैम मेरे पे तो मैम कोई गिनती ही नहीं केस की वो तो गिनती ही नहीं मैम वो तो ठीक है सर किसी केस में पर्टिकुलर केस में स्टार्टिंग में तो गए होंगे ना वो तो ठीक है अंदर जाने वाले काफी केस लग जाते हैं मेरे पास मैम डकैती का भी है मर्डर का भी है लूट का भी है हर एक चीज के केस लगे हुए आप यूट्यूब पे देख लेना ज्यादा मैं फोन पे नहीं बोल सकता समझा रहा हूँ वो तो सारे केस लग जाते हैं। मैं आपको बता सर नीम का जेल के अंदर दो बंदों की इतनी मतलब उनको ये लगा लो 2-3 साल से वो वहाँ बंद थे ठीक है और उनको 10-10 साल की क्या है वो ये बात मैम पता क्या मैंने आपको फोन किया ना आप अपने हस्बैंड को बोल देना ये बात समझा देना देखो ये भी बोल देना साथ में कि लाइव आके बात मत बोलना कि मेरे पास किसी बंदे का फोन आया ठीक है ठीक है मैं कोई गलत नहीं बोल रहा मैंने किसी धमकी नहीं दी आपको मैंने मतलब ऐसी कोई आपके साथ नहीं 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 देखो नीरज जी अगर आप ठीक है आपके पास कोई मैसेज अगर मिलता है तो आपने करा कोई बात नहीं उसमें तो एक राइट बनता भी ठीक है लेकिन सही गलत ये है कि सर ये जो जो ये भड़काने वाली बात है नहीं खुद ये जो मतलब राजपूत समाज ब्राह्मण समाज की बात कर यही लोग अपने आप से वीडियो बना के सतपाल सवार ऐसे बोल रहा है यानी कि बंदा बोलता कुछ और है और उसको अपने ही लोग शो ये करते जी उसने ऐसे बोल दिया आपने झूठ पहने की यानी कि एक नहीं 10 लोगों ने ऐसे ऐसी वीडियो बनाना की सतपाल सवार आपको ऐसे करा पूरे राष्ट्र ब्राह्मण समाज को गाली दे रहा है ये मैम पता क्या मेरे पास जाती खबर आई मेरे काफी दिन हो गए मैं फोन करना चाह रहा था पर मेरे पास आज ये नंबर आया तो मेरे को अंदर से आपको फोन की तो अब आपने फोन उठा लिया ठीक है मेरे पास तो मैसेज आया था कि भाई अनिल तवर का नंबर है किसी का नहीं नहीं उसके साथ रहता ये सतपाल तवर जी का ही नंबर है ठीक है और किसी का नंबर नहीं चलो मैम और मैं उनकी ठीक है ना आपका हस्बैंड हमारा भी भाई लगता है कोई ऐसी बात नहीं है मैंने आपको अगर फोन किया ये मत सोचना कि मैं आपको किसी बदमाशी के उसमें फोन किया नहीं नहीं ये मत सोचना आपको आपकी मेरी बहन जैसी हो वो भी भाई जैसा उसको भैया बोलना कि किसी भी जातिवादी पे कोई भी अगर कोई उस पर पर्सनल हमला करता मैं नहीं जानता कौन है नाम ही मैंने तो आप लिया पता नहीं मैं तो जानता भी नहीं गुनाह कभी इनको देखा कभी आज तक का नाम सुना मैंने अरे ये दीपक शर्मा नहीं दुश्मनी सर किसी की नहीं है ओनली फोर इन लोगों ने यही पढ़ा रखा कि दलित और कास्ट सब इन्होंने तो दलित और ब्राह्मण और राजपूत इन्हीं लोगों ने फैलाया हुआ वो के अंदर राणा है तू दलित है तू ये है तू चमार है तू ढेर है तू ये अब इस तरह की बातें कौन बर्दाश्त कर ये इनकी सर वैसे नहीं है सतपाल तंवर जी एक ऐसे इनका नाम काफी है समाज के सोशल एक्टिविटी करते हैं बच्चों को कपड़े बांटते हैं बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं विधवा जो भी हमारा पर्टिकुलर है वो समाज से भी है यानी कि इनकी नजर में तो ये था कि ये भाई कि इनके इसके पीछे पब्लिक आ गई है पब्लिक आई है तो भाई ठीक है तो अभी इन्होंने इलेक्शन ही फाइट किया पार्ट सकता है इनके घर से फैमिली से हमने छोटे भाई की घरवाली को उठाया था तो सर ये हमारे खानदान राजपूत समाज है ये राजपूत समाजों से ही हमारी ये सारी कंडीशन की भाई ये बंदा उठना चाहिए यहीं तक जाना चाहिए मेन कंडीशन यहाँ सर एक बंदे से पर्टिकुलर से तो पर्टिकुलर को तो वो भी कर ले लेकिन अगर सारे वो टोलिया बना बना कर इस तरीके से करते तो किसको गाली देगा किसको क्या करे वो ऑफिस चौथी बार मेरे ऑफिस को आपको फोन करना चौथी बार बंदे 20 बार बोल चुका हूँ और वो भी है मेरे ऐसी कोई बात नहीं है तो सोचना कि भाई मैं अंदर हूँ तो मैंने कोई बदमाशी की उसे आपको फोन किया कि मैं ये कर दूंगा नहीं मैं ऐसा पता नहीं जो करना होता है वो कर देता हूँ जो दिमाग में आता है पर मैं जो फोन मैंने आपको सिर्फ इस मैटर पर किया कि आप भाई को समझाना अपने हस्बैंड को समझाना इतनी मैं पूछता हूँ उन बंदों ने अगर एक बार सतपाल जी के ऑफिस पे हमला करें तो बर्दाश्त कर लेते अब के चौथी बार उन्होंने हमला किया है ये 28 तारीख को चौथी बार तो बंदा कितना बर्दाश्त करेगा बताना और फिर बंदे ये भी आके बोलते जी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया तो जो करना कर ले हमने कराया तेरे ऊपर हमला अब बताओ कौन बर्दाश्त करेगा बताओ
मैं आपकी बात से सहमत हूँ मैम, पर मैं ये तो बात बोल रहा हूँ ना, अगर एक बात सोचो चलो मैं आपको अब अपनी हिस्ट्री नहीं बता सकता, अगर मैं ये बात सोचने लग जाता कि कोई बंदा मेरे को कुछ कह रहा है या मेरे को कुछ कह रहा है और मैं जाके अपनी जाति से जाटों से बोलूँ कि भाई तुम्हारी आज जरूरत है मेरे को क्योंकि मेरे को किसी राजपूत ने गाली दे दी है, तो ऑटोमेटिक ही जातिवाद करोड़ हो जाएगा। तो यही चीज चल रही है सर, यही चीज नीरज जी, यही चीज चल रही है। आप 6 साल के अंदर, तो आप तुम देखो ये 1 साल के अंदर इतना जातिवाद बढ़ चुका था ना पूरे इंडिया के अंदर, इतना जातिवाद, हर दिन इतने लोग वहां मारे जा रहे, इतने लोग वहां जा रहे। बेचारे उसने क्या किया था, उसने वो भी कटा रहे ना, उसको इतना मारा, पूरा बुरी तरीके से मारा, जेल में डलवाया कितना, वो तो तुम्हारे खुद के समाज का था, उसको कितनी बुरी हालत करी है। उसके बाद में एक और बंदा था ये अपने जब इसने ओके अंदर लड़ा, कितना बोला मैं जाटों की लड़की को ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, हमने लाइव मैंने फालतू बोलेगा ऑनलाइन आके फेसबुक पे पेज पे जो कुछ मतलब वो भी कटारिया का नाम सुना है, पता नहीं क्या कुछ काम कुम करता होगा वो, मेरे ना तो वो तिहाड़ में आया वो और किधर ही था, वो इधर नहीं था तिहाड़ में। नहीं, वो तो सर भूण से जेल में था, उसको उसकी तो सर ऐसी रेल बनाई, कपड़े उसको तो पेटीकोट पहना, कपड़े पहना पड़ा, औरतों के कपड़े पहना के थूक चटवाया उसको, ये करा उसको, उसकी कंडीशन तो ऐसी करी इन लोगों ने। अब सर कौन कितना बर्दाश्त कर रहा है मैम, ये कंडीशन पता क्या कैसे होती है, जैसे अब आप शायद बुरा मान सकते हो मेरी इस बात का, जैसे प्रशासन को गाली देता था वो मेरे को ये सुनने में आया, सीधा लाइव पे आके हराम को बहुत गंदी गंदी गालियां देता था, तो प्रशासन से ऊपर कोई नहीं है सर, प्रशासन की नाक में कोई, अगर प्रशासन नाक में दम करेगा ना सर, मैंने आंदोलन किया था परसों, मैंने खुद जो एसीपी है ना मेरे यहाँ की शकुंतला एसीपी है, मैं चाहती हूँ उसको सस्पेंड कराना, और मैं सस्पेंड करा करूँ, मैं खुले आम गाली दे रही हूँ, अगर कोई गलत करेगा ना, क्योंकि मेरे ऑफिस पर हमला होने के बाद भी, फायरिंग होने के बाद भी बंदी कहती है कि आपके ऑफिस पर हमला हुआ सुपर है टांगे ना टूटी, तो क्या मैं उसके लिए गालियां ले लूंगी, मैं उसके लिए सवाले लूंगी, मैं तो दूंगी, मैं सारे आम मैं उसको नंगा करूंगी, प्रशासन चाहे कितना बड़ा है। वो मैं समझ गया, पर पता क्या इसमें मेरा मतलब नहीं समझ रहा, मैं बोल रहा हूँ अगर कोई झगड़ा है गांव वालों के साथ भी आप रहते हो, ठीक है वो झगड़ा निपटाओ या कुछ भी करो, उनसे एफआईआर कराओ, केस कराओ, पर्चा दर्ज कराओ, हर एक चीज होती है, कुछ भी नहीं है, इस चीज को जातिवाद थोड़ा ना मनाए, बस ये मैं आपसे रिक्वेस्ट समझ लेना, पर इसको कमजोरी मत समझना मैम आप मेरी, कि मैं मतलब इस चीज को आप कमजोरी में समझना, समझ गए ना आप, मैं क्या, मैंने सिर्फ एक भाईचारे के लिए फोन किया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ हरिजन भाई भी है कुछ, वो बोल रहे कि भाई अपनी बिरादरी का भाई है, तो पहले भाई से प्यार से बात करिए, मैंने कहा भाई मैं प्यार से ही बात करूंगा, कोई भी फोन उठाए मैम, अब आपकी हेड है आप उसको कैसे समझाओगे, देखो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया बहन, मैंने आपको बहन बोल दिया था, कोई औरों की तरह तो नहीं, आपके पास फोन आते होंगे, पता है मेरे को आते जाते हैं, नॉर्मल सी बात, अगर कोई बंदा हो जाता है किसी समाज को लेके काम चलता है तो 200 बंदों के फोन आते होंगे, पर उनका मोटिव होता है गाली देना सबसे पहले, बहुत आते हैं सर मेरे पास कॉल तो, ठीक है गाली देना मोटिव होता है, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ मैम, सपना ने केस किया था, सपना पे केस किया था सरपंच वर्जी, जो डांसर सपना है अपने हरियाणा के, उसके ऊपर केस किया था, तब मैं मेरे को पता है गालियाँ कैसे कैसे आते हैं, मुझे सब मुझसे पता है, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जो गलत है नहीं जो मैं बाकी पर के मैं मेरे को फोन काटना पड़ेगा क्योंकि मैं ज्यादा देर बात, बिल्कुल बिल्कुल, और अगर आपको मेरे पास इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, गूगल जिंदाबाद, आप फोन चलाते ही होंगे, यूट्यूब भी आप चलाते होंगे, आप सर्च कर सकते हैं, क्या बताया आपने, नीरज बोहाना ठीक है। ये रिकॉर्डिंग रियल है या फिर झूठ हमें कमेंट करके जरूर बताओ, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ जल्दी से लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हम आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, धन्यवाद।